तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स नाम की इस मूवी के बारे में जो कि दो हजार चौबीस में हमें देखने को मिलेगी फाई एक तरह से एक्शन मूवी है जो कि हमें एक तरह से देखने को मिलने वाली है बहुत जल्द दो हज़ार चौबीस के अंदर दोस्तों मूवी के बारे में बात की जाए तो पिछले एक तरह से पहले तो एक तरह से कुछ साल पहले इसका पार्ट हमें देखने को मिल चुका है और उसी के आगे की कंटिन्यू स्टोरी हमें देखने को मिलेगी इसके अंदर बताया जाता है इंसानों द्वारा सभी एक से जो प्राकृतिक चीजें है, है और इसी बीच बंदर जो है वो इंसानों से लड़ते इसी बीच ये स्टोरी हमें देखने को मिली है और सारी कुछ जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं किंगडम ऑफ द प्लान ऑफ द एप्स एक आगामी अमेरिकी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जो, जो जोश फ्रीडमैन रिक जाफा अमांडा सिल्वर और पैट्रिक एसन की पटकथा से वेस बॉल द्वारा निर्देशित है और जो हार्टविक जूनियर जाफा सिल्वर और जेसन द्वारा निर्मित है रीड यह वॉर फॉर द प्लैनेट ऑफ द एप्स 2017 की अगली कड़ी के रूप में कार्य करता है और प्लैनेट ऑफ द एप्स रीबूट फ्रेंचाइजी में चौथी किस्त है फिल्म में फ्रेया एलन केविन डूरंड पीटर मैकॉन और विलियम एच मैसी के साथ ओवेन टीग मुख्य भूमिका में डिज्नी द्वारा 20वीं सेंचुरी फॉक्स के अधिग्रहण के बाद अप्रैल 2019 में एक नए प्लैनेट ऑफ द एप्स फिल्म का विकास शुरू हुआ जिसमें बॉल को दिसंबर में लेखक और निर्देशक के रूप में शामिल किया गया था अधिकांश स्क्रिप्ट 2020 में कोविड 19 महामारी के दौरान लिखी गई थी स्क्रिप्ट के पूरा होने के बाद जून 2022 में कास्टिंग शुरू होगी अगस्त में टीक को मुख्य भूमिका के लिए चुना गया फिल्म का शीर्षक और अतिरिक्त कास्टिंग अगले महीनों में सामने आई मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2022 में सिडनी में शुरू हुई और फरवरी 2023 में समाप्त हुई किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स 10 मई 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका में 20वीं सेंचुरी स्टूडियो द्वारा रिलीज होने वाली है परिसर वानर ग्रह के लिए युद्ध 2017 की घटनाओं के लगभग 300 साल बाद एक वानर सभ्यताएं उस नखलिस्तान से उभरी है, जहां सीजर अपने साथी वानरों को ले गया था जबकि मनुष्य एक जंगली आदिम अवस्था में वापस आ गए हैं जब वानर नेता प्रॉक्सिमस सीजर मानव प्रौद्योगिकियों के अवशेषों की तलाश में अन्य कुलों को गुलाम बनाने के लिए सीजर की शिक्षाओं को विकृत करता है तो नोआ एक सामान्य चिम्पैन्जी वानर और मनुष्यों के भविष्य को निर्धारित करने के लिए नोवा नामक एक युवा मानव के साथ एक कष्टदायक यात्रा पर निकलता है दो तीन कास्ट करें नोआ के रूप में ओवेन टीग एक युवा चिंपैन्जी जो सीजर के समय के लगभग 300 साल बाद पैदा हुआ था तीन चार नोवा के रूप में फ्रेया एलन पांच एक जंगली युवा महिला जो अपने स्वयं के एजेंडे के साथ नोआ की यात्रा में शामिल होती है तीन प्रॉक्सिमस सीजर के रूप में केविन डूरंड एक महत्वाकांक्षी चिम्पैंजी सम्राट जो मानव प्रौद्योगिकियों की खोज में वानरों के एक तटीय कबीले का नेतृत्व करता है तीन छह सात राका के रूप में पीटर मैकॉन एक बुद्धिमान और गुणी ओरंगुटान जो नोआ के सहयोगी के रूप में कार्य करता है तीन आठ विलियम एच मैसी नौ ट्रेविस जेफरी दस अनाया के रूप में एक चिंपैन्जी और नोआ की दोस्त ग्यारह लिडिया पेखम दस सूना के रूप में एक मादा चिम्पैंजी और नोआ की दोस्त ग्यारह नील सैंडिलैंड दस कोरो के रूप में नोआ जनजाति का एक बुजुर्ग चिंपांजी बारह इसके अतिरिक्त एका डारविल तेरह रा सैमुअल वेल्ड आब्जगी दस सारा वाइसमैन दस और डिचेन लक्ष्मण को अज्ञात भूमिकाओं में लिया गया है दो उत्पादन प्री प्रोडक्शन अक्टूबर 2016 में डॉन ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स 2014 और वॉर फॉर द प्लैनेट ऑफ द एप्स 2017 के निर्देशक मैट रीव्स ने कहा कि उनके पास प्लैनेट ऑफ द एप्स रीबूट श्रृंखला में चौथी फिल्म के लिए विचार थे एक चार दो शून्य एक सात के मध्य में जैसे ही वॉर रिलीज हुई रीव्स और सहलेखक मार्क बॉम्बैक ने सीक्वल में और रुचि व्यक्त की रीव्स ने कहा कि स्टीव जैन के चरित्र बैड एप ने सीजर के वानरों के समूह की तुलना में बहुत बड़ा एक प्राइमेट दुनिया की स्थापना की उन्होंने कहा कि ऐसे भी वानर हैं जो सीजर के नेतृत्व के लाभ के बिना बड़े हुए और सुझाव दिया कि संघर्ष होगा यदि सीजर के वानरों को ऐसे बाहरी लोगों का सामना करना पड़े तो उठो पंद्रह बॉम्बैक को लगा कि बताने के लिए शायद केवल एक और बड़ा अध्याय बचा है यह बताते हुए कि कैसे सीजर वानरों की दुनिया में मूसा जैसा व्यक्ति बन गया उन्होंने सुझाव दिया कि अन्य फिल्म निर्माता अगली कड़ी पर काम कर सकते हैं और यह युद्ध के सैकड़ों साल बाद बन सकता है इसके बावजूद उन्होंने स्पष्ट किया कि संभावित अगली कड़ी पर कोई बातचीत नहीं हुई है और उन्होंने एक राहत की सांस लेने और जा ईजो को थोड़ा आराम करने देने की इच्छा व्यक्त की 16 अप्रैल 2019 में 20वीं सेंचुरी फॉक्स के अधिग्रहण के बाद वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने घोषणा की कि प्लैनेट ऑफ द एप्स फिल्में विकास में थी सत्रह अगस्त में यह पुष्टि की गई कि भविष्य की कोई भी किस्त उसी ब्रह्मांड में स्थापित की जाएगी जिसे पहली बार राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स 2011 में स्थापित किया गया था अठारह दिसंबर में यह घोषणा की गई थी कि वेस बॉल फिल्म लिखेंगे और निर्देशित करेंगे 19 इससे पहले रीव्स के साथ माउस गार्ड के फिल्म रूपांतरण पर काम कर चुके थे विलय के बाद डिज्नी द्वारा उस फिल्म को रद्द कर दिए जाने के बाद स्टूडियो ने एक नई प्लैनेट ऑफ द एप्स फिल्म विकसित करने के लिए बॉल से संपर्क किया 20 फरवरी 2020 में बॉल ने पुष्टि की कि फिल्म सीजर की विरासत को लिपिबद्ध करने के बजाय रीबूट नहीं होगी 21 जो हार्टविक जूनियर और डेविड स्टार्क को भी निर्माता के रूप में काम करने की पुष्टि की गई 22 अप्रैल में यह घोषणा की गई थी कि पीटर चेरनिन जिन्होंने चेरनिन एंटरटेनमेंट के माध्यम से पिछली किस्तों का निर्माण किया था कार्यकारी निर्माता के रूप में काम करेंगे नेटफ्लिक्स के लिए 20वीं -20 सेंचुरी स्टूडियो छोड़ने से पहले यह फिल्म कंपनी की आखिरी फिल्मों में से एक होगी तेईस अगले महीने यह पता चला कि जोश फ्रीडमैन बॉल के साथ पटकथा लिखेंगे और रिक जाफा और अमांडा सिल्वर पिछली किस्तों के लिए ऐसा करने के बाद फिल्म का निर्माण करने के लिए वापस आएंगे बॉल और फ्रीडमैन जूम वीडियो कॉल के माध्यम से स्क्रिप्ट पर चर्चा करेंगे यह एक नियमित प्रक्रिया है जो सीओवीआईडी 19 महामारी शुरू होने के बाद भी जारी रही वॉर के सीधे सीक्वल के बजाय बॉल ने कहा कि यह फिल्म पिछली फिल्मों की अगली कड़ी की तरह महसूस होगी और टिप्पणी की कि इस तथ्य के कारण कि फिल्म महामारी के बावजूद जल्द ही वर्चुअल प्रोडक्शन शुरू कर सकती है। इसमें कंप्यूटर जनित इमेजरी सीजीआई शामिल है 24 मार्च 2022 में बीसवीं सेंचुरी स्टूडियो के अध्यक्ष स्टीव अजबेल ने कहा कि वह जल्द ही एक पटकथा ड्राफ्ट की उम्मीद कर रहे थे जिसका लक्ष्य साल के अंत तक उत्पादन शुरू करना था 25 जून तक ऑडबॉल एंटरटेनमेंट और शिनबोन प्रोडक्शंस भी फिल्म का निर्माण करने के लिए तैयार थे 26 सत्ताईस जबकि पिछले महीने स्क्रिप्ट पूरी होने के बाद मुख्य स्टार की तलाश चल रही थी 28 सितंबर 2022 में फिल्म का शीर्षक किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स बताया गया था जबकि यह फिल्म युद्ध की घटनाओं के कई वर्षों बाद घटित हुई थी जाफा से लवर और पैट्रिक एसन लेखन टीम में शामिल हो गए बॉल को अब पटकथा लेखक के रूप में श्रेय नहीं दिया गया जेसन रीड और जेनो टॉपिंग को भी क्रमशः निर्माता और कार्यकारी निर्माता के रूप में घोषित किया गया था जबकि स्टार्क से अब निर्माता के रूप में काम करने की उम्मीद नहीं थी आठ बॉल ने कहा कि फ़िल्म अंधकार युग के दौरान सेट की गई थी जहां वानर इस भव्य साहसिक कार्य में अतीत की खोई हुई वस्तुओं को फिर से खोजते हैं वानरों के ग्रह का साम्राज्य सीजर की मृत्यु के 300 साल बाद होता है उन्होंने महसूस किया कि नायक नोआ न तो बच्चा था और न ही वयस्क बल्कि असाधारण परिस्थितियों में रहने वाला और खानाब्दोष वानर जनजाति में रहने वाला एक व्यक्ति था तीक ने यह भी कहा कि नोआ के पास अपनी पहचान को लेकर कोई आत्मबोध नहीं है लेकिन वह सीजर की विरासत और वानर एक साथ मजबूत के संदेश से प्रेर इत्थे। उन्होंने प्रतिपक्षी प्रोक्सिमस की तुलना आविष्कारक थॉमस एडिसन से की क्योंकि उन्होंने बिजली की फिर से खोज की थी जो अंधकार युग के दौरान खो गया ज्ञान था डूरंड ने महसूस किया कि प्रोक्सिमस सीजर नाम एक सुघोषित उपाधि थी क्योंकि उनका लक्ष्य सीजर की मूल शिक्षाओं को नष्ट करने के बावजूद वानरों की निरंतर समृद्धि सुनिश्चित करना था एक ग्यारह फिल्म एपोकैलिप्टो 2006 से प्रेरणा लेने के बाद उन्हें समय सीमा बदलने का विचार आया क्योंकि इससे उन्हें पूरी तरह से नए प्रक्षेपवक्र का अवसर मिला था हार्ट विक जूनियर ने कहा कि फिल्म नोआ द्वारा पहली बार दुनिया की खोज पर ध्यान केंद्रित कर रही थी उनतीस कास्टिंग अगस्त २०२२ में ओवेन टीग मुख्य मोशन कैप्चर भूमिका में फिल्म के कलाकारों में शामिल हुए चार अगले महीने फ्रेया एलन और पीटर मैकॉन फिल्म के शीर्षक और रिलीज वर्ष की घोषणा के साथ कलाकारों में शामिल हो गए आठ जैसा कि अक्टूबर में एका डार्विल और केविन डूरंड ने किया था छह तेरह ट्रेविस जेफरी नील सैंडलेंस, सारा वाइसमैन लिडिया पेखम और रा सैमुअल वेल्ड एब्सगी को उस महीने के अंत में कलाकारों में शामिल किया गया था दस जबकि विलियम एच मैसी और डिचेन लैचमैन को जनवरी में कास्ट किया गया था क्रमशः फरवरी 2023, हज़ार तेईस दो नौ फिल्मांकन मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2022 में सिडनी में डिज्नी स्टूडियो ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुई जिसमें आंशिक रूप से ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा वित्त पोषण प्रदान किया गया तीस वर्किंग टाइटल फॉरबिडन जोन के तहत फिल्मांकन 15 फरवरी 2023 को संपन्न हुआ 31. पोस्ट प्रोडक्शन और दृश्य प्रभाव एरिक विनक्विस्ट ने वेटा एफएक्स सहित विक्रेताओं के साथ दृश्य प्रभाव पर्यवेक्षक के रूप में काम किया जिन्होंने पहले तीन प्लैनेट ऑफ द एप्स रिबूट फिल्मों पर काम किया था बत्तीस बॉल ने कहा कि फिल्म में द वॉल्यूम तकनीक का उपयोग नहीं किया गया है जिसे पहले द मांडलोरियन के लिए नियोजित किया गया था जो ऑन लोकेशन पर फिल्मांकन और पूर्ण सीजी का उपयोग करने पर केंद्रित थी उन्होंने फिल्म की सीजी की तुलना जेम्स कैमरून की अवतार फ्रेंचाइजी से की तैंतीस टीम ने अपनी पिछली फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर 2022 के लिए तकनी कोका इस्तेमाल किया था जब वह नदियों पर मानव शिकार से जुड़े एक एक्शन सीक्वेंस पर काम कर रही थी इसका कारण यह था कि मोशन कैप्चर प्रदर्शन के आधार पर वानरों के सीजी मॉडल पानी के साथ बातचीत करते समय यथार्थवादी दिखाई देते थे उनतीस मार्केटिंग 2 नवंबर 2023 को एक टीजर ट्रेलर जारी किया गया था तीन चौथी इनवर्स के ब्रायन ब्रिट ने फिल्म के आधार की तुलना 1968 की मूल प्लैनेट ऑफ द एप्स फिल्म से की पैतीस एक दूसरे ट्रेलर का प्रीमियर सुपर बाउल एलवीआईआई के दौरान हुआ फरवरी 11, 2024, हज़ार चौबीस छत्तीस सैतीस रिलीज किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स को संयुक्त राज्य अमेरिका में 10 मई 2024 को रिलीज किया जाना निर्धारित है अड़तीस से, से पहले उसी वर्ष 24 मई के लिए निर्धारित किया गया था उनतालीस लेकिन फ्यूरियोसा के साथ प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए इसे दो सप्ताह पहले पुनर्निर्धारित किया गया था मेमोरियल डे सप्ताहांत के दौरान एक मैड मैक्स सागा और द गारफील्ड मूवी अड़तीस भविष्य जून 2022 में यह बताया गया कि डिज्नी और बीसवीं सेंचुरी ने किंगडम को प्लैनेट ऑफ द एप्स फिल्मों की एक नई त्रयी में से पहला बनाने की योजना बनाई है 28 बॉल ने दिसंबर 2023 में इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि फिल्म की कल्पना एक त्रयी की शुरुआत के रूप में की गई थी जो पिछली तीन फिल्मों की विरासत में फिट थी वेस बॉल जन्म 28 अक्टूबर 1980 एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक और निर्माता हैं उन्हें जेम्स डैशनर के इसी नाम के उपन्यासों की श्रृंखला पर आधारित मेज रनर फिल्म त्रयी दो शून्य एक चार दो शून्य एक आठ के निर्देशन के लिए जाना जाता है वह आगामी फिल्म किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स 2024 का भी निर्देशन कर रहे हैं जो प्लैनेट ऑफ द एप्स रिबूट श्रृंखला की चौथी किस्त है शिक्षा बॉल ने क्रिसेंट सिटी हाई स्कूल में पढ़ाई की और 1999 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की उन्होंने 2002 में फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स से बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की एक 2003 में उन्होंने अपनी लघु एनिमेटेड फिल्में के लिए छात्र अकादमी पुरस्कार जीता कार्य प्रगति पर है दो कैरियर बॉल ने हॉलीवुड फिल्म निर्माता के रूप में रूइन नामक एक एनिमेटेड लघु फिल्म के साथ अपनी शुरुआत की जिसे बीसवीं सेंचुरी फॉक्स के अधिकारियों ने देखा और उन्हें द मेज़ रनर के अनुकूलन को निर्देशित करने के लिए काम की पेशकश की तीन द मेज रनर बॉल की पहली फीचर फिल्म होगी चार चौंतीस मिलियन डॉलर के बजट पर बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तीन सौ अड़तालीस मिलियन डॉलर की कमाई की पांच फिल्म की सफलता के कुछ समय बाद बॉल ने अपने ऑडबॉल एंटरटेनमेंट बैनर के तहत 20वीं सेंचुरी फॉक्स के साथ एक फर्स्ट लुक डील पर हस्ताक्षर किए बॉल डेनमार्क स्थित मूड स्टूडियो के क्राउड फंडेड सचित्र उपन्यास फॉल ऑफ गॉड्स के फिल्म रूपांतरण का निर्देशन करने के लिए जुड़े हुए हैं सात 2017 में बॉल को 20वीं सेंचुरी फॉक्स में गैरी विटा और टीएस नाउलिन की स्क्रिप्ट के साथ माउस गार्ड के लाइव एक्शन बटा वीएफएक्स हाइब्रिड रूपांतरण को निर्देशित करने के लिए काम पर रखा गया था जबकि मैट रीव्स रॉस रिची और स्टीफन क्रिस्टी ने निर्माता के रूप में काम किया था आठ नौ उत्पादन मई दो में शुरू होने की उम्मीद थी लेकिन उस वर्ष की शुरुआत में वॉल्ट डिज्नी कंपनी द्वारा फॉक्स के अधिग्रहण के बाद फिल्मांकन शुरू होने से दो सप्ताह पहले परियोजना को उत्पादन से हटा दिया गया था दस ग्यारह दिसंबर 2019 में डिज्नी और फॉक्स ने किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स नामक एक नई प्लैनेट ऑफ द एप्स फिल्म लिखने और निर्देशित करने के लिए बॉल को काम पर रखा बारह तेरह हाल ही में उनकी प्रोडक्शन कंपनी ऑडबॉल एंटरटेनमेंट पैरामाउंट पिक्चर्स में चली गई चौदह मई 2021 में बॉल द टाइम रनर का निर्देशन करने के लिए तैयार थी जो माइकल शर्मन के इसी नाम के उपन्यास का एक फीचर रूपांतरण था 15 मार्च 2022 में बॉल को अभी तक अज्ञात जी वेल्स पुस्तक पर आधारित एक फिल्म का निर्माण करने के लिए तैयार किया गया था 16 नवंबर 2023 में यह घोषणा की गई थी कि बॉल निंटेंडो और सोनी पिक्चर्स के लिए द लीजेंड ऑफ जेल्डा पर आधारित एक लाइव एक्शन फिल्म का निर्देशन करेगी जिसका निर्माण शिगेरू मियामोतो और एवी अराद करेंगे सत्रह फिल्मोग्राफी प्लैनेट डेस सिंगेस जिसे अंग्रेजी में अमेरिका में प्लैनेट ऑफ द एप्स और यूके में मंकी प्लैनेट के नाम से जाना जाता है फ्रांसीसी लेखक पियरे बोले का उन्नीस का एक विज्ञान कथा उपन्यास है इसे उन्नीस की फिल्म प्लैनेट ऑफ द एप्स में रूपांतरित किया गया जिसने प्लैनेट ऑफ द एप्स मीडिया फ्रेंचाइजी की शुरुआत की दो उपन्यास पृथ्वी से तीन मानव खोजकर्ताओं की कहानी बताता है जो बेटल तारे की परिक्रमा करने वाले एक ग्रह पर जाते हैं जिसमें महान वानर प्रमुख बुद्धिमान और सभ्य प्रजाति हैं जबकि मनुष्य एक जंगली जानवर जैसी स्थिति में सिमट कर रह गए हैं कथानक एक फ्रेम स्टोरी में अंतरिक्ष में अकेले यात्रा कर रहे एक अमीर जोड़े जिन्न और फीलिस एक तैरती हुई बोतल से एक पांडुलिपि को बचाते हैं और उसका अनुवाद करते हैं तीन पांडुलिपि एक फ्रांसीसी पत्रकार उलिस से मेरो द्वारा लिखी गई थी जिन्हें 2500 में अमीर प्रोफेसर एंटेल ने अपने और उनके शिष्य चिकित्सक आर्थर लेवेन के साथ बेतेलगेस में आमंत्रित किया था समय के फैलाव के कारण पृथ्वी पर अपने दो वर्षों के पारगमन के दौरान सदियां बीत जाती हैं वे अपने शटल को समशीतोष्ण हरे भरे जंगलों वाले ग्रह पर उतारते हैं जिसे वे सोरोर बहन के लिए लैटिन नाम देते हैं। वे हवा में सांस ले सकते हैं पानी पी सकते हैं और फल खा सकते हैं एक नग्न सुनहरी महिला से आकर्षित होकर जिसे वे नोव आ कहते हैं वे एक सुंदर झरने के नीचे तैरते हैं वह उनके पालतू चिंपैंजी हेक्टर से डरती है और उसका गला घोंट देती है उसकी जनजाति जो मूक जानवरों के व्यवहार का प्रदर्शन करती है नवागंतुकों के कपड़े और शटल को बर्बाद कर देती है गोरिल्ला पूरी तरह से बड़े खेल शिकारी के रूप में तैयार होकर अग्नयास्त्रों के साथ जनजाति पर हमला करते हैं आर्थर सहित कई लोग मारे गए यूलसे को जीवित बचे लोगों के साथ पकड़ लिया गया और वानरों से आबाद शहर में लाया गया वानरों के कपड़े बीसवीं सदी के पृथ्वी के मनुष्यों से मेल खाते हैं सिवाय इसके कि वानर अपने पैरों में जूतों के बजाय दस्ताने पहनते हैं वानर तंबाकू पीते हैं अपनी शिकार ट्रॉफियों की तस्वीरें खींचते हैं स्ट्रॉ के माध्यम से पीते हैं और पूरी तरह से सभ्य दिखाई देते हैं उनका समाज पियरे फ्रांकोइस मैरी लुइस बॉले 20 फरवरी 1912, सौ जनवरी उन्नीस सौ एक फ्रांसीसी लेखक थे उन्हें दो कृतियों द ब्रिज ओवर द रिवर क्वाई उन्नीस और प्लैनेट ऑफ द एप्स उन्नीस के लिए जाना जाता है इन दोनों पर पुरस्कार विजेता फिल्में बनी एक बाउले एक इंजीनियर थे जो सिंगापुर में फ्री फ्रेंच के साथ एक गुप्त एजेंट के रूप में कार्यरत थे जब उन्हें पकड़ लिया गया और दो साल के लिए जबरन श्रम के अधीन किया गया उन्होंने कुख्यात डेथ रेलवे के बारे में द ब्रिज ओवर द रिवर क्वाई में इन अनुभवों का उपयोग किया जो एक अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर बन गया डेविड लीन की द ब्रिज ऑन द रिवर क्वाइ नामक फिल्म ने सात ऑस्कर जीते और बॉले को पटकथा लिखने का श्रेय दिया गया क्योंकि इसके दो वास्तविक पटकथा लेखकों को काली सूची में डाल दिया गया था दो तीन उनका विज्ञान कल्पना उपन्यास प्लैनेट ऑफ द एप्स जिसमें बुद्धिमान वानर मनुष्यों पर प्रभुत्व हासिल करते हैं को नौ पुरस्कार विजेता फिल्मों की एक श्रृंखला में रूपांतरित किया गया जिन्होंने पत्रिका और टीवी संस्करण और लोकप्रिय थीम वाले खिलौनों को जन्म दिया जीवन और कैरियर एविग्नन फ्रांस में जन्मे पियरे बोले का बपतिस्मा हुआ और उनका पालन पोषण एक कैथोलिक के रूप में हुआ हालांकि बाद में जीवन में वे अज्ञेयवादी बन गए उद्धरण वांछित उन्होंने प्रतिष्ठित इकोले सुप्रियर डी इलेक्ट्रिसिटी सुपेलिक में अध्ययन किया जहां उन्होंने 1933 में इंजीनियर की डिग्री प्राप्त की चार उन्नीस से उन्नीस तक उन्होंने मलाया में सोकफिन बागानों में एक तकनीशियन के रूप में काम किया जैसा कि भाग्य को मंजूर था वह अपने बॉस के निवास व्हाइट पैलेस में आयोजित रात्रिभोज में एक फ्रांसीसी महिला से मिला वह अपने पति से अलग हो गई थी खोई हुई और अकेली थी वह जल्द ही उसके जीवन का प्यार बनने वाली थी जिसे वह कोमल प्रेम पत्र लिखता था बाद में उन्होंने अपने पति जो कि फ्रेंच इंडोचाइना में एक अधिकारी थे के पास लौटने का फैसला किया द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वह और उनके पति मलाया भाग गए लेकिन इस प्रक्रिया में उनके एक बच्चे की मृत्यु हो गई युद्ध के बाद बाउले उससे मिले और उन्होंने एक आदर्श मित्रता का आनंद लिया द्वितीय युद्ध के फैलने पर बाउले इंडोचीन में फ्रांसीसी सेना में शामिल हो गए जर्मन सैनिकों द्वारा फ्रांस पर कब्जा करने के बाद वह सिंगापुर में फ्री फ्रेंच मिशन में शामिल हो गए युद्ध के दौरान वह चार्ल्स डी गॉल के समर्थक थे बौले ने पीटर जॉन रूल के नाम से एक गुप्त एजेंट के रूप में कार्य किया और चीन बर्मा और फ्रांसीसी इंडोचीन में प्रतिरोध आंदोलन में मदद की 1943 में उन्हें विची फ्रांस के वफादारों ने मेकांग नदी पर पकड़ लिया और उन्हें गंभीर कठिनाइयों और जबरन श्रम का सामना करना पड़ा बाद में उन्हें लीजियन डिहोनूर का शेवेलियर बनाया गया और क्रॉइक्स डी ग्वेरे और मेडेल डेला रेसिस्टेंस से सजाया गया उन्होंने नॉन फिक्शन माई ओन रिवर क्वाई में अपने युद्ध के अनुभवों का वर्णन किया युद्ध के बाद वह जीवन भर अपने युद्ध साथियों के संपर्क में रहेंगे युद्ध के बाद बोले कुछ समय के लिए मलाया में सोकफिन के बागानों में काम पर लौट आए लेकिन उन्नीस में पांच वह वापस पेरिस चले गए और मलाया और इंडोचीन की अपनी यादों से चित्र बनाना शुरू कर दिया पेरिस में रहते हुए वह इतना गरीब था कि अपना फ़्लैट खरीदने में असमर्थ था वह एक होटल में रहता था जब तक कि उसकी हाल ही में विधवा हुई बहन मेडेलिन पेरुसेट ने उसे अपने बड़े अपार्टमेंट में जाने की अनुमति नहीं दी उनकी एक बेटी थी फ्रांकोइस जिसे पियरे ने पालने में मदद की लेकिन लड़की को आधिकारिक तौर पर गोद लेने की उनकी या ओचना कभी सफल नहीं हुई क्वाई नदी पर पुल मुख्य लेख क्वाई नदी पर पुल पेरिस में रहते हुए बोले ने अपने युद्ध के अनुभवों का उपयोग ले पोन्ट डेला रिवियर क्वाई उन्नीस सौ बावन द ब्रिज ओवर द क्वाई लिखने में किया जो दुनिया भर में मल्टी मिलियन कॉपी वाली बेस्ट सेलर बन गई जिसने फ्रेंच प्रिक्स सेंटे बेउवे जीता यह पुस्तक एक काल्पनिक कहानी थी जो मित्र देशों के युद्धबंदियों की वास्तविक दुर्दशा पर आधारित थी जिन्हें पुल के ऊपर से गुजरने वाली 415 किलोमीटर दो मील रेलवे बनाने के लिए मजबूर किया गया था और जिसे डेथ रेलवे के रूप में जाना जाने लगा लाइन के निर्माण के दौर आन सोलह हजार कैदी और एक लाख एशियाई सिपाही मारे गए उद्धरण वांछित लेफ्टिनेंट कर्नल का उनका चरित्र निकोलसन क्वाई ब्रिज के वास्तविक सहयोगी वरिष्ठ अधिकारी फिलिप टूसी पर आधारित नहीं था बल्कि कथित तौर पर फ्रांसीसी अधिकारियों के सहयोग की उनकी यादों का एक मिश्रण था पुस्तक और फिल्म दोनों ने पूर्व कैदियों को नाराज कर दिया क्योंकि काल्पनिक कर्नल निकोल्सन के विपरीत टूसी ने दुश्मन के साथ सहयोग नहीं किया था बोले ने एक साक्षात्कार में उस तर्क को रेखांकित किया जिसके कारण उन्हें निकोल्सन के चरित्र की कल ना करने में मदद मिली जो कि पूर्व पांव जॉन कोस्ट द्वारा बनाई गई उन्नीस बीबीसी दो डॉक्यूमेंट्री रिटर्न टू द रिवर क्वाई का हिस्सा है साक्षात्कार की एक प्रतिलेख और समग्र रूप से वृत्तचित्र जॉन कोस्ट की पुस्तक रेलरोड ऑफ डेथ के नए संस्करण में पाया जा सकता है छ डेविड लीन ने इस पुस्तक को एक मोशन पिक्चर में बदल दिया जिसने उन्नीस के साथ ऑस्कर जीते जिसमें सर्वश्रेष्ठ चित्र और एले गिनीज़ के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शामिल थे बाउले ने स्वयं पटकथा न लिखने और यहाँ तक कि अंग्रेजी भी न बोलने के बावजूद सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा का पुरस्कार जीता बोवले को पटकथा का श्रेय दिया गया क्योंकि फिल्म के वास्तविक पटकथा लेखक कार्ल फोरमैन और माइकल विल्सन को कम्युनिस्ट सहानुभूति रखने वालों के रूप में काली सूची में डाल दिया गया था बाउले न तो समाजवादी थे और न ही कम्युनिस्ट उद्धरण वांछित मोशन पिक्चर अकादमी ने उन्नीस में फोरमैन और विल्सन का नाम पुरस्कार में जोड़ा किम नोवाक ने पियरे बोले की ओर से ऑस्कर स्वीकार किया साथ वानरों का ग्रह मुख्य लेख वानरों का ग्रह उपन्यास उन्नीस में कई अन्य सफल उपन्यासों के बाद बोले ने अपना दूसरा प्रसिद्ध उपन्यास ला प्लेनेट डेस सिंगेस प्रकाशित किया जिसका 1964 में जैन फील्डिंग द्वारा मंकी प्लेनेट के रूप में अनुवाद किया गया और बाद में प्लेनेट ऑफ द एप्स के रूप में फिर से जारी किया गया आठ मलाया में वृक्षारोपण के दौरान वन्य जीवन को देखने से मिली प्रेरणा से इस पुस्तक की बहुत प्रशंसा की गई और इसे इंग्लैंड के गार्जियन अखबार के उदाहरण के रूप में ऐसी समीक्षाएं मिली। क्लासिक विज्ञान कथा रहस्य और व्यंग्यपूर्ण बुद्धिमत्ता से भरपूर वर्ष दो में पत्रकार उलिस से मेरो सहित अंतरिक्ष यात्रियों का एक समूह बैटल गयूस तारा मंडल में एक ग्रह की यात्रा पर निकला वे एक विचित्र दुनिया की खोज करने के लिए उतरते हैं जहां बुद्धिमान वानर मास्टर रेस हैं और इंसानों को जंगली बना दिया जाता है चिड़ियाघरों में पिंजरे में बंद कर दिया जाता है प्रयोगशाला प्रयोगों में इस्तेमाल किया जाता है और खेल के लिए शिकार किया जाता है कहानी यूलिसे को पकड़ने उसके जीवित रहने के संघर्ष और उसके पृथ्वी पर लौटने के विनाशकारी चरमोत्कर्ष और एक भयानक अंतिम खोज पर केंद्रित है यह उपन्यास विज्ञान विकास और मनुष्य और जानवर के बीच संबंधों पर एक व्यंग्यात्मक दृष्टांत भी है नौ उन्नीस में इस पुस्तक पर ऑस्कर विजेता फिल्म बनाई गई जिसका निर्देशन फ्रैंकलिन जे शैफन ने किया था और इसमें चार्लटन हेस्टन ने अभिनय किया था पटकथा जो मूल रूप से रॉड सर्लिंग द्वारा लिखी गई थी ने एक्शन पर अधिक ध्यान केंद्रित किया और उपन्यास से कई मायनों में विचलित हो गई जिसमें अपने स्वयं के क्लासिक ट्विस्ट को शामिल करना शामिल था जो उपन्यास से अलग था इसने चार सीक्वल को प्रेरित किया एक टेलीविजन श्रृंखला एक एनिमेटेड श्रृंखला 2001 में टिम बर्टन द्वारा मूल शीर्षक का रीमेक और 2011 में रीबूट राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स रूपर्ट व्याट द्वारा निर्देशित मूल श्रृंखला एक नौ छ आठ एक नौ सात तीन की पांच फिल्में कल्ट क्लासिक बन गई हैं बाउले जिन्होंने अपने उपन्यास को फिल्माने योग्य नहीं माना था फिल्म की विश्वव्यापी सफलता और प्रभाव से आश्चर्यचकित रह गए उन्होंने प्लैनेट ऑफ द मेन नामक सीक्वल की पटकथा लिखी लेकिन मूल फिल्म के निर्माताओं ने इसे ठुकरा दिया दूसरी फिल्म बिनेथ द प्लैनेट ऑफ द हैप्स जो 1970 में आई भी बहुत सफल रही इसके बाद 1971 में वानरों के ग्रह से पलायन 1972 में वानरों के ग्रह पर विजय और उन्नीस में वानरों के ग्रह के लिए लड़ाई हुई सितंबर उन्नीस में मूल फिल्म पहली बार नेटवर्क टेलीविजन पर प्रसारित की गई थी इस समय फिल्म श्रृंखला से संबंधित खिलौनों और अन्य उत्पादों का विपणन आसमान छू गया जिससे एपेमेनिया का क्रेज पैदा हो गया जून 1974 में मार्वल कॉमिक्स ने उपन्यास और फिल्म पर आधारित प्लैनेट ऑफ द एप्स नामक एक पत्रिका भी जारी की सितंबर 1974 तक प्लैनेट ऑफ द एप्स एक टेलीविजन श्रृंखला बन गई थी 1975 में टेलीविजन पर एक एनिमेटेड रिटर्न टू द प्लैनेट ऑफ द एप्स श्रृंखला दिखाई गई थी अन्य रूपांतरण बोले के उपन्यास ले फोटोग्राफ पर आधारित फ्रांसीसी फिल्म ले पॉइंट डे मायर 1977 में रिलीज हुई थी बोले के उपन्यास विलियम कॉनराड पर उन्नीस यूएस और उन्नीस फ्रांस उन्नीस यूएस में ला फेस पर टीवी फिल्में भी बनी हैं और उन्नीस पश्चिम जर्मनी और उन्नीस फ्रांस में अनमेटियर डी सिग्नूर साथ ही उन्नीस यूएस में लघु कहानी ले मिरेकल ई एम सी दो से दस बोले के नोबल प्रोफेशन अनमेटियर डी सिग्नूर के लिए एक और फिल्म रूपांतरण का निर्माण चल रहा है जो एक जासूसी थ्रिलर है जो आंशिक रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक गुप्त एजेंट के रूप में काम करने के बोले के वास्तविक जीवन के अनुभव पर आधारित है फिल्म का निर्माण टेसा बेल और एंड्रिया चुंग द्वारा किया जा रहा है मृत्यु पियरे बोले का इक्यासी वर्ष की आयु में ३० जनवरी उन्नीस को पेरिस फ्रांस में निधन हो गया ग्यारह कार्य उपन्यास विलियम कॉनराड 1950 अनुवाद 1955 में जॉन फील्डिंग द्वारा नॉट द ग्लोरी के रूप में जिसे स्पाई कन्वर्टेड के रूप में भी जारी किया गया ले सैक्रिलेज मलेस उन्नीस अनुवाद उन्नीस में जैन फील्डिंग द्वारा मलाया में सैक्रिलेज के रूप में सोफिया के रूप में भी जारी ले डे डेला रिवियर क्वाई उन्नीस सौ बावन उन्नीस सौ चौवन में जैन फील्डिंग द्वारा क्वाई नदी पर पुल के रूप में ले बोरेव उन्नीस सौ चौवन उन्नीस सौ इकसठ में जैन फील्डिंग द्वारा यूएस शीर्षक द एग्जीक्यूशन यूके शीर्षक द चाइनीज एग्जीक्यूशन एल एप्रेवे डेस होम्स ब्लैंक्स उन्नीस सौ पचपन अनुवादित उन्नीस में जॉन फील्डिंग द्वारा द टेस्ट के रूप में जिसे व्हाइट मैं टेस्ट के रूप में भी जारी किया गया ला फेस उन्नीस सौ उन्नीस में जॉन फील्डिंग द्वारा सेविंग फेस के रूप में फेस ऑफ फे ए हीरो के रूप में भी जारी लेस वॉइस डू सैल्यूट उन्नीस सौ अट्ठावन उन्नीस में रिचर्ड हॉवर्ड द्वारा द अदर साइड ऑफ द कॉइन के रूप में अनमेटियर डे सिग्नूर उन्नीस अनुवादित 1960 में जैन फील्डिंग द्वारा ए नोबल प्रोफेशन के रूप में फॉर ए नोबल कॉज के रूप में भी जारी किया गया ला प्लैनेट डेस सिंगेस उन्नीस अनुवादित 1964 में जैन फील्डिंग द्वारा मंकी प्लैनेट के रूप में बाद में प्लैनेट ऑफ द एप्स के रूप में जारी किया गया ले जार्डन दानाशिमा उन्नीस सौ अनुवाद उन्नीस में जॉन फील्डिंग द्वारा गार्डन ऑन द मून के रूप में ले फोटोग्राफी उन्नीस सौ त्रा उन्नीस में जैन फील्डिंग द्वारा यूएस शीर्षक द फोटोग्राफर यूके शीर्षक एन इम्पार्टियल आई लेस ज्यूक्स डे लेस्प्रिट उन्नीस सौ इकहत्तर उन्नीस सौ तिहत्तर में पेट्रिसिया वुल्फ द्वारा डेस्पेरेट गेम्स के रूप में ले सोरेल्स डी जंगल उन्नीस सौ बहत्तर उन्नीस सौ बहत्तर में माइकल डोबरी और लिंडा कोल द्वारा ईयर्स ऑफ द जंगल के रूप में वियतनाम युद्ध की कहानी एक उत्तरी वियतनामी कमांडर के दृष्टिकोण से बताई गई है लेस डे लैनफर उन्नीस सौ चौहत्तर उन्नीस सौ चौहत्तर में पेट्रीसिया वुल्फ द्वारा द वर्चुज ऑफ हेल के रूप में ले बॉर्न लेविथान उन्नीस सौ अठहत्तर उन्नीस सौ अठहत्तर में मार्गरेट जियोवेनेली द्वारा द गुड लेविथान के रूप में ले स्कॉलेस डू सिएल उन्नीस सौ उनासी ट्रबल उन्नीस सौ पचासी में पेट्रीसिया वुल्फ द्वारा ट्रबल इन पैराडाइज के रूप में लेनर्जी डू डेसेस्पोयर उन्नीस सौ इक्यासी मिरोइटमेंट्स उन्नीस सौ बयासी ट्र उन्नीस में पेट्रीसिया वुल्फ द्वारा मिरर्स ऑफ द सन के रूप में ला बैलिन डेस मालोइंस उन्नीस सौ तिरासी ट्र में पेट्रीसिया वुल्फ द्वारा यूएस शीर्षक द वेल ऑफ द विक्टोरिया क्रॉस यूके शीर्षक द फॉकलैंड्स वेल पॉर लमोर डेलार्ट उन्नीस सौ पचासी ले प्रोफेसर मोर्टिमर उन्नीस सौ अट्ठासी ले मलहैड देश सौ नब्बे ए नॉस ड्यूक्स शैतान उन्नीस सौ बानवे एल एट एटले मिस्टेरे डी नेफ्रिटिटी दो हजार पांच मरणोपरांत लघु कहानी संग्रह कॉन्ट्स डी लेब्सडे उन्नीस सौ तिरपन ई एमसी दो उन्नीस सौ सत्तावन हिस्टोयस चैरिटेबल्स उन्नीस सौ पैंसठ टाइम आउट ऑफ माइंड एंड अदर स्टोरीज उन्नीस सौ छियासठ बॉले के पहले तीन संग्रहों से बारह कहानियां जान फील्डिंग और एलिजाबेथ एबार्ड द्वारा क्विया एब्सर्डम सुर ला टेरे कमे ऑसिएल उन्नीस सौ छियासठ उन्नीस सौ सत्तर में क्योंकि यह बेतुका है एलिजाबेथ एबार्ड द्वारा पृथ्वी पर जैसे यह स्वर्ग में है हिस्टोर्स परफाइड्स उन्नीस सौ छिहत्तर उन्नीस में द मार्वलस पैलेस एंड अदर स्टोरीज के रूप में मार्गरेट जियोवेनेली द्वारा एल एनलिवमेंट डे लोबेलिस्क 2007 हजार सात मरणोप्रांत नॉन फिक्शन ले सियाम वॉल्ट डिज्नी 1955 सौ पचपन उन्नीस में हर्बर्ट नैप द्वारा वॉल्ट डिज्नी के सियाम के रूप में वॉल्ट डिज्नी की ले मोंडे एट सेस हैबिटेंट्स बटा द वर्ल्ड एंड इट्स इनहैबिटेंट्स श्रृंखला में लैट्रिंस क्रोइसेड डे लेम्पेरुरेडरिक टू उन्नीस सौ तिरसठ ऑक्सोर्स डेला रिवियर क्वाई उन्नीस सौ छियासठ अनुवाद उन्नीस सौ सड़सठ में जैन फील्डिंग द्वारा यूएस शीर्षक माई ओन रिवर क्वाई यूके शीर्षक द सोर्स ऑफ द क्वाई नदी संस्मरण लय्यूनिवर्स ऑनडोयट उन्नीस सौ सत्तासी एलिलॉन उन्नीस सौ नब्बे संस्मरण ओवेन विलियम टीग जन्म 8 दिसंबर उन्नीस सौ अट्ठानवे एक अमेरिकी अभिनेता है उनका जन्म और पालन पोषण टैंपा फ्लोरिडा में हुआ और उन्हें द स्टैंड मिसेज फ्लेचर इनहेरिट द वाइपर टू लेस्ली मोंटाना स्टोरी गॉन इन द नाइट एक ब्लडलाइन और एपिसोड आर्केंजेल में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है ब्लैक मिरर 2017 के चौथे सीजन का टी गेट एंड इट चैप्टर टू में पैट्रिक हॉकस्टेटर के रूप में भी दिखाई दिए दो और नाटक एवरीडे और थ्रिलर आईसीयू में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं 2020 में उन्हें सीबीएस मिनिस्ट्रीज द स्टैंड में हेरोल्ड लॉर्डर के रूप में चुना गया था तीन प्रारंभिक जीवन और शिक्षा टीक का जन्म और पालन पोषण टांपा फ्लोरिडा में हुआ उनके माता पिता दोनों संगीतकार थे तीन और उन्होंने पंद्रह साल की उम्र तक वायलिन बजाया तीन टीक को छोटी उम्र से ही अभिनय में रुचि थी चार साल की उम्र में उन्होंने ब्यूटी एंड द बीस्ट के दृश्यों को भरवा जानवरों के साथ प्रदर्शित किया और छोटे थिएटर प्रस्तुतियों में अभिनय किया उसके बाद जल्द ही वह मैकफलेन पार्क इंटरनेशनल बैकलोरिएट एलिमेंट्री में मूवी मेकर्स क्लब और टाम्पा में हॉवर्ड डब्ल्यू ब्लेक हाई स्कूल स्कूल ऑफ आर्ट्स में थेस्पियन क्लब और ऑर्केस्ट्रा के सदस्य थे चार कैरियर तीक को ब्लडलाइन 2015 में उनकी भूमिकाओं और ब्लैक मिरर 2017 के चौथे सीजन के एपिसोड अर्केनगेल के लिए जाना जाता है 2016 में उन्हें कलन बून के ग्राफिक उपन्यास पर आधारित अलौकिक थ्रिलर द एम्प्टी मैन में सहायक भूमिका में लिया गया था पांच उन्होंने ब्लडलाइन के दूसरे सीजन में नॉलन रेबन की भूमिका निभाई उस समय टीक अभी भी हाई स्कूल जा रहा था 6 जुलाई 2016 में उन्होंने स्टीफन किंग की किताब पर आधारित फिल्म सेल में भी भूमिका निभाई साथ, उन्हें 2017 में मैरी में कास्ट किया गया था टीक का प्रतिनिधित्व एपीए मैनेजमेंट 360, सौ ब्रेवॉर्ड टैलेंट ग्रुप और माईमैन ग्रीनस्पैन द्वारा किया जा रहा था आठ टी गेट दो और इट चैप्टर टू 2019 में पैट्रिक हॉकस्टेटर के रूप में भी दिखाई दिए 2 सितंबर 2010 11 ग्यारह फ्रेया एलन जन्म 6 सितंबर 2001 एक, एक अंग्रेजी अभिनेत्री हैं वह नेटफ्लिक्स श्रृंखला द विचर में सिंट्रा की राजकुमारी सिरिला की भूमिका के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती हैं वह 2021 की फिल्म गनपाउडर मिल्कशेक में युवा सैम के रूप में एमसी श्रृंखला इंटू द बैडलैंड्स में द विडो के युवा संस्करण के रूप में और आगामी फिल्म किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स में मी के रूप में भी दिखाई देती हैं प्रारंभिक जीवन और शिक्षा एलन का जन्म 6 सितंबर 2001 को ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्डशायर इंग्लैंड में हुआ था और उन्होंने ऑक्सफोर्ड में हेडिंगटन स्कूल में पढ़ाई की थी दो तीन एलन ने बकिंगहमशायर के बीकन्स में राष्ट्रीय फिल्म और टेलीविजन स्कूल में अपनी कलात्मक शिक्षा जारी रखी जहां अपने अभिनय अध्ययन के हिस्से के रूप में उन्होंने दो लघु फिल्मों ब्लूबर्ड और द क्रिसमस ट्री में अभिनय किया तीन एलन आर्ट्स यूनिवर्सिटी बॉर्नमाउथ में अध्ययन के लिए गई जहां उन्होंने लघु फिल्म कैप्टन फियर्स में लिंडा की भूमिका निभाई चार कैरियर एलन ने 2019 बीबीसी नाटक द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स के पहले एपिसोड में एक छोटी भूमिका निभाई पांच उसी वर्ष वह शॉन के मुखपृष्ठ पर दिखाई दी पत्रिका जब वे अपनी दसवीं वर्षगांठ मना रहे थे छह 2019 से एलन ने हेनरी कैविल और अन्य चालोत्रा के साथ नेटफ्लिक्स की मूल श्रृंखला द विचर में सिरी के रूप में अभिनय किया है साथ यह एक फंतासी नाटक है जिसे पोलिश लेखक आंद्रेज सैप्कोवस्की की द विचर पुस्तक श्रृंखला से लॉरेंस श्मिट हिसरिच द्वारा रूपांतरित किया गया है एलन को मूल रूप से पहले एपिसोड में एक छोटी भूमिका के लिए चुना गया था लेकिन बाद में उसे मुख्य भूमिका के रूप में सिरी के रूप में बदल दिया गया पांच एलन आठ महीने तक बुडापेस्ट हंगरी में रहे जबकि श्रृंखला का पहला सीजन फिल्माया गया था आठ एलन ने द विचर के दूसरे सीजन में अभिनय किया जिसे 2020 की शुरुआत में लंदन में निर्मित किया गया था और 2021 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था सात नौ एलन को 2021 हज़ार सैटर्न अवार्ड्स के लिए टेलीविज़न श्रृंखला में एक युवा अभिनेता द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए नामांकित किया गया था दस सीजन दो में एलन का किरदार सिरी हेनरी कैविल के गेराल्ट ऑफ रिविया के साथ एक फाइटर बनने के लिए प्रशिक्षण लेते हुए दिखाई देता है ग्यारह 2021 में एलन को रूबी बार्कर के साथ आगामी अल्बर्टो कोरेडो निर्देशित हॉरर फिल्म बैगहेड में मुख्य भूमिका में लिया गया था बारह 2023 में एलन को एक जंगली युवा महिला मी की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था जो आगामी फिल्म किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स में मुख्य अभिनेता ओवेन टीक के साथ एक चिंपैनजी की भूमिका निभाती है तेरा फिल्मोग्राफी फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां संदर्भ 2017 हजार सत्रह ब्लूबर्ड केटलीन लघु फिल्म क्रिसमस ट्री क्रिसमस ट्री वाली लड़की कप्तान भयंकर लिंडा 2021 हजार इक्कीस गन पाउडर मिल्कशेक युवा सैम 2024 हजार चौबीस बैगहेड आंख की पुतली 2024 हजार चौबीस वानरों के ग्रह का साम्राज्य में डाक उत्पादन तेरह टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां संदर्भ 2018 अनुपजाऊ भूमि में युवा मिनरवा एक एपिसोड केविन सर्ज डूरंड जन्म 14 जनवरी उन्नीस एक कनाडाई अभिनेता है उन्हें द स्ट्रेन में वासिली फेट डार्क एंजल में जोशुआ लॉस्ट में मार्टिन केमी एक्स मैन ऑरिजिन्स में फ्रेड जे ड्यूक्स बटा द ब्लॉब वूलवरिन रेजिडेंट इविल, रिट्रीब्यूशन में बैरी बर्टन लीजन में गेब्रियल लिटिल के किरदार के लिए जाना जाता है रॉबिन हुड में जॉन स्मोकिंग एसेस में जीव स्ट्रेमर और द बटरफ्लाई इफेक्ट में कार्लोस उन्हें सिटीजन गैंगस्टर में लेनी जैक्सन के किरदार के लिए 2012 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता जिनी का नामांकन मिला प्रारंभिक जीवन केविन सर्ज डूरन का जन्म 14 जनवरी 1974 सौ एक को थंडरबे ओंटारियो में हुआ था जो रीना नी पेरोल्ट और सर्ज डूरंड के पुत्र थे दो वह फ्रांसीसी कैनेडियन मूल के हैं तीन कैरियर डूरंड को पहला ब्रेक तब मिला जब उन्हें मिस्ट्री अलास्का में कास्ट किया गया चार वह अक्सर कानून प्रवर्तन के दोनों पक्षों के पात्रों को चित्रित करते हैं जैसे वॉकिंग टॉल में बूथ वाइल्ड हॉक्स में साइडकिक रेड स्मोकिन एसेस में मनोवैज्ञानिक नव नाजी जीव स्ट्रेमर ओटीसी में शीर्षक भूमिका लीजन में गैब्रियल रॉबिनहुड में लिटिल जॉन फ्रूटवेल स्टेशन में ऑफिसर कारुसो और 2007 में युमा के तीन दस के रीमेक में ठक टकर को काम पर रखा चार डूरंड एक्समेन ओरिजिन्स वुलवरिन में, में ब्लॉप पांच और रियल स्टील में ह्यू जैकमैन के साथ दिखाई दिए छह दो में उन्होंने सिटीजन गैंगस्टर और डेविड क्रोनबर्ग के कॉस्मोपोलिस में अभिनय किया और रेजिडेंट ईविल फिल्म फ्रेंचाइजी रेजिडेंट ईविल रिट्रीब्यूशन की पांचवी किस्त में वीडियो गेम चरित्र बैरी बटन के रूप में अभिनय किया सात 2013 में वह फिल्म द मोटल इंस्ट्रूमेंट्स में दिखाई दिए आठ उन्होंने डैरिन एरोनोफ्सकी की नूह और 2010 के मध्य की दो एटम एगोयान फिल्मों डेविल्स नॉट और द कैप्टिव में अभिनय किया डूरंड ने डार्क एंजल में जोशुआ द स्ट्रेन में वासिली फेट वाइकिंग्स में हार्बर्ड द वांडर द टचिंग एविल के अमेरिकी रीमेक में एजेंट जे स्वोप्स साथ ही सीएसआई पर अतिथि भूमिकाएं जैसे शो में नियमित रूप से भूमिका निभाई है सीएसआई मियामी इार विदाउट ट्रेस डेड लाइक मी और अन्य वह टेलीविजन शोज टारगेट एसजी एक में लॉर्ड जिपाकना के रूप में लॉस्ट में मार्टिन केमी के रूप में चार और डीसीयू के स्वैम थिंग के 2019 सीजन में डॉक्टर जेसन वुड्रू द फ्लोरोनिक मैन के रूप में भी नजर आए व्यक्तिगत जीवन डूरंड ने 1 अक्टूबर 2010 को अपनी लंबे समय से प्रेमिका चो से शादी की उनकी दो बेटियां हैं ग्यारह फिल्मोग्राफी फिल्म वर्ष पतली परत भूमिका टिप्पणियां उन्नीस सौ निन्यानवे ऑस्टिन पॉवर्स स्पाई हु शेग्डमी बाजू का मार्क्समैन जो रहस्य अलास्काट्री लेन 2002 के नौ पीआई एजेंट वर्नर 2004 द बटरफ्लाई इफेक्ट कार्लोस स्कूबी डू दो राक्षसों का खुलासा ब्लैक नाइट घोस्ट वॉकिंग टॉल बूथ 2006 बड़ी माँ का घर दो ओशिमा स्मोकिंग एसएस जीव स्ट्रेमर दो जंगली सुअर लाल तारे फेंकना एक युमा को तीन दस बजे टकर सितारे काल 2008 हरे भरे पहाड़ तीन पैर वाला परावर्तित धनी वाल्टर पंखों वाला जीव बनिया 2000 हज़ार नॉक्स मैन वोल्वेर इन फ्रेड ड्यूक्स बटा द ब्लॉब ओटिसीओटिस दो हजार दस सैन्य टुकड़ी गेब्रियल हुड छोटा जोन 2011 हजार ग्यारह में नंबर चार हूं मोगादोरियन कमांडर नागरिक गैंगस्टर लेनी जैक्सन असली स्टील रिकी 2012 हजार बारह कॉस्मोपोलिस तोरवल निवासी ईविल प्रतिकार बैरी बटन गूढ़ सत्यटो 2013 शैतान की गांठ जॉन मार्क बायर्स फ्रूटवेट स्टेशन अधिकारी कारुसो मौत का उपकरण हड्डियों का शहर एमिल पैंगबोर्न 2014 अंधेरी रात थी पॉल शील्स सर्दियों की कहानी सीजर टैन नूह रमील बंदी मिका गार्म द लास्ट ड्र्यूड स्केलिंग अट्ठावन 2017 हजार सत्रह त्रासदी लड़कियां लोवेल और सन लेहमैन दो बड़ा बिलहॉक व्इंट ले लो मार्कस कोरियाई फिल्म 2019 हजार उन्नीस मौलिक रिचर्ड लोफलर दो खतरनाक गोभी 2024 अबीगेल पीटर डाक उत्पादन वानरों के ग्रह का साम्राज्य प्रॉक्सिमस सीजर डाक उत्पादन पीटर जेरोड मैकॉन एक अमेरिकी अभिनेता है उन्हें फॉक्स बटाहलू टेलीविजन श्रृंखला द ऑर्विल 2017 वर्तमान में लेफ्टिनेंट कमांडर बोटस के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है और वे किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स 2024 में राका की भूमिका निभाएंगे प्रारंभिक जीवन मैकॉन का पालन पोषण मिनियापोलिस में हुआ और उन्होंने नॉर्थ कम्युनिटी हाई स्कूल में पढ़ाई की जहां उन्होंने स्कूल के नाटकों में अभिनय किया तीन उनकी मां एक शिक्षिका थी और उनके पिता एक ट्रक ड्राइवर थे मैकॉन ने बाद में सैन फ्रांसिस्को आर्ट इंस्टीट्यूट और येल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लिया जहां उन्होंने अभिनय में मास्टर डिग्री हासिल की मैकॉन ने 2005 में लूसिया ब्रॉली नामक एक अभिनेत्री से शादी की जो येल में भी शामिल हुई थी न्यूयॉर्क शहर के पूर्व मेयर डेविड डिंकिंस ने संचालन किया कई साल बाद उनका तलाक हो गया चार 2018 में मैकॉन ने जैकलीन वुड्स से शादी की एक दो कैरियर स्टेज थिएटर मैकॉन ने लगभग तीस वर्षों तक पेनुम्ब्रा इल्यूजन और चिल्ड्रंस थिएटर कंपनी सहित ट्विन सिटी थिएटरों में अभिनय किया और उन्होंने गुथरी थिएटर में ओथेलो की शीर्षक भूमिका के साथ साथ डबलिन कोलोराडो और ओरेगन में नाटक की प्रस्तुतियों में भी अभिनय किया तीन टेलीविजन मैकॉन नैश ब्रिजेस लॉ एंड ऑर्डर विदाउट ए ट्रेस सुपरनेचुरल द शील्ड डेक्स्टर बॉश सील टीम और शेमलेस के एपिसोड में दिखाई दिए हैं 2017 में मैकॉन ने सेठ मैकफर्लिन द्वारा बनाई गई एक कॉमेडी ड्रामा साइंस फिक्शन टेलीविजन श्रृंखला द ऑर्विल में बोर्टस की भूमिका निभाना शुरू किया जिसका प्रीमियर उसी वर्ष 10 सितंबर को फॉक्स पर हुआ था पांच विलियम हॉल मैसी जूनियर जन्म 13 मार्च 1950 एक अमेरिकी अभिनेता है उनका फिल्मी करियर छोटी स्वतंत्र फिल्मों में अभिनय पर आधारित है हालांकि वे मुख्यधारा की फिल्मों में भी नजर आए हैं तीन उनकी अभिनीत भूमिकाओं में फार्गो उन्नीस बूगी नाइट्स उन्नीस मिस्ट्री मेन 1999, उन्नीस सौ निन्यानवे जुरासिक पार्क थ्री दो हजार एक सेल्यूलर 2004 बॉबी 2006 हजार वाइल्ड हॉक्स दो और शामिल हैं शॉर्ट्स 2009 मैसी ने दो एमी पुरस्कार और चार स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार जीते हैं जबकि फार्गो में उनके प्रदर्शन ने सर्वश्रेष्ठ छ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन अर्जित किया 2011 से 2021 तक उन्होंने ब्रिटिश टेलीविजन श्रृंखला के शोटाइम रूपांतरण शेमलेस में एक मुख्य किरदार फ्रैंक गैलाघेर की भूमिका निभाई मैसी की शादी उन्नीस से फेलिसिटी हफमैन से हुई है प्रारंभिक जीवन मैसी का जन्म मियामी फ्लोरिडा में हुआ और वह जॉर्जिया और मैरीलैंड में पली बढ़ी चार उनके पिता विलियम हॉल मैसी सीनियर एक नौ दो 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 शून्य शून्य सात को द्वितीय विश्व युद्ध में बी सत्रह फ्लाइंग फोर्ट्रेस बॉम्बर उड़ाने के लिए विशिष्ट फ्लाइंग क्रॉस और एयर मेडल से सम्मानित किया गया था बाद में उन्होंने अटलांटा जॉर्जिया में एक निर्माण कंपनी चलाई और जब मैसी नौ साल की थी तब कम्बरलैंड मैरीलैंड स्थित बीमा एजेंसी का कार्यभार संभालने से पहले उन्होंने डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के लिए काम किया उनकी मां लोइस नी ओवर स्ट्रीट 1920 2001 एक, एक युद्ध विधवा थी जो 1943 में अपने पहले पति की मृत्यु के बाद मैसी के पिता से मिली मैसी ने उन्हें दक्षिणी सुंदरी के रूप में वर्णित किया है पांच छह सात मैसी ने 1968 में मैरीलैंड के कम्बरलैंड में एलेग्नी हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की वह वेस्ट वर्जीनिया के बेथनी कॉलेज गए जहां उन्होंने पशु चिकित्सा का अध्ययन किया तीन अपने स्वयं के प्रवेश से एक मनहूस छात्र वह ग्रामीण वर्मोंट के गोडौड कॉलेज में स्थानांतरित हो गए जहां उन्होंने नाटककार डेविड मैमेट के अधीन अध्ययन किया और उन्नीस में स्नातक की उपाधि प्राप्त की उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में एचपी स्टूडियो आठ में थिएटर का अध्ययन किया कैरियर गोडॉर्ड से स्नातक होने के बाद मैसी ने सहयोगी डेविड मैमेट के कई नाटकों में भूमिकाएं निभाईं जैसे अमेरिकन बफेलो नौ और द वॉटर इंजन दस बीस साल की उम्र में शिकागो में रहते हुए उन्होंने एक टीवी विज्ञापन किया विज्ञापन करने के लिए उन्हें आफ्तरा में शामिल होना पड़ा और एक साल के भीतर उन्हें अपना सैक कार्ड प्राप्त हुआ जो उत्साहित मैसी के लिए उनके करियर में एक महत्वपूर्ण क्षण था 11. 1980 में न्यूयॉर्क शहर जाने से पहले मैसी ने लॉस एंजल्स में समय बिताया जहां उन्होंने 50 से अधिक ऑफ ब्रॉडवे और ब्रॉडवे नाटकों में भूमिकाएं निभाईं उनकी शुरुआती उन स्क्रीन भूमिकाओं में से एक थिएटर समीक्षक के रूप में 1980 के समवहैर इन टाइम में डब्ल्यूएच मैसी के नाम से क्रिस्टोफर रीव को बधाई देना था ताकि अभिनेता बिल मैसी के साथ भ्रमित न हो एक और यादगार प्रारंभिक प्रदर्शन डायरेक्ट टू वीडियो फिल्म द बॉय हु लव्ड ट्रॉल्स उन्नीस में सुकरात नामक कछुए के रूप में था बासठवें वार्षिक पीबॉडी अवार्ड्स में मैसी मई 2003 उन्होंने सिटकॉम कैट एंड एली के चौथे सीजन के एपिसोड जनरल हॉस्पिटल में एक अस्पताल अर्दली की छोटी भूमिका निभाई और लॉ एंड ऑर्डर के पहले निर्मित एपिसोड एवरीज फेवरेट बैगमैन में एक सहायक जिला अटॉर्नी की भूमिका निभाई दोनों प्रस्तुतियों में उन्हें डब्ल्यूएच मैसी के रूप में प्रस्तुत किया गया था वह कई फिल्मों में दिखाई दिए हैं जिन्हें मैमेट ने लिखा और बटा या निर्देशित किया है जैसे हाउस ऑफ गेम्स थिंग्स चेंज होमिसाइड ओलियाना उसी नाम के नाटक में उनकी भूमिका को दोहराते हुए वैग द डॉग स ते टेंड मेन और स्पार्टन फार्गो में मैसी की प्रमुख भूमिका ने उनके करियर और पहचान को बढ़ावा देने में मदद की हालांकि उन्हें लगभग अपनी किस्मत को लेकर चिंतित व्यक्ति के संकीर्ण टाइप का सीमित रखने की कीमत पर एक दो एक नौ नौ शून्य और दो हजार के दशक की अन्य मैसी भूमिकाओं में बेनी एंड जून एबव सस्पिशन मिस्टर हॉलैंड्स ओपस घोस्ट्स ऑफ मिसिसिपी एयर फोर्स वन बूगी नाइट्स ए सिविल एक्शन विले गस वान सैन्ट की साइको की रीमेक शामिल हैप्पी टेक्सास है। मिस्ट्रीमेन मैग्नोलिया जुरासिक पार्क थ्री फोकस पैनिक वेलकम टू कॉलनवुड सी बिस्किट द कूलर और सहारा ईआर ER और स्पोर्ट्स नाइट पर उनके काम को एमी नामांकन के साथ भी मान्यता दी गई है नवंबर 2003 में यूएसए टुडे के साथ एक साक्षात्कार में मैसी ने कहा कि वह पैसे के लिए इस तरह की फ्रेंचाइजी की सुरक्षा के लिए एक बड़े बजट की एक्शन फिल्म में अभिनय करना चाहते थे और मुझे बड़ी एक्शन एडवेंचर फिल्में पसंद हैं थंडा तेरा व न्यूयॉर्क में अटलांटिक थिएटर कंपनी में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं जहां वह प्रैक्टिकल एस्थेटिक्स नामक तकनीक सिखाते हैं तकनीक का वर्णन करने वाली एक पुस्तक ए प्रैक्टिकल हैंडबुक फॉर द एक्टर आईएसबीएन शून्य तीन नौ चार सात चार चार एक दो आठ मैसी और मैमेट को समर्पित है 2007 में मैसी ने वाइल्ड हॉक्स में अभिनय किया जो मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों के बारे में एक फिल्म थी जो सिंसनाटी से प्रशांत तट तक, तक अपनी हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिलों पर खुली सड़क पर जाकर अपने युवा दिनों को फिर से जी रहे थे आलोचनात्मक आलोचना के बावजूद रोटेन टोमाटो से 14 परसेंट रोटेन रेटिंग के साथ यह एक मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई के साथ एक वित्तीय सफलता थी चौदह इस फिल्म ने उन्हें उनके इस सिविल एक्शन के सह कलाकार जॉन ट्रावोल्टा के साथ फिर से जोड़ा। 2009 में मैसी ने द मिडिन हीस्ट पर फिल्मांकन पूरा किया जो एक कॉमेडी थी जिसमें मॉर्गन फ्रीमैन और क्रिस्टोफर वॉकिन ने सह अभिनय किया था 2010 में मैसी जून 2008 में हॉलीवुड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने घोषणा की कि मैसी और उनकी पत्नी फेलिसिटी हफमैन को आगामी वर्ष में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार मिलेगा 13 जनवरी 2009 को मैसी ने ब्रॉडवे पर डेविड मैमेट के स्पीड दपलों में जेरेमी पिवेन की जगह ली दिसंबर 2008 में स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव होने के बाद पिवेन अचानक और अप्रत्याशित रूप से खेल से बाहर हो गए नॉर्बर्ट लियो बुट्स ने 23 दिसंबर 2008 से मैसी के कार्यभार संभालने तक इस भूमिका को कवर किया पंद्रह डर्टी गर्ल जिसमें मैसी के साथ जूनो टेम्पल मिला जोवो विच मैरी स्टीन बर्गन और टिम मैकग्रा ने अभिनय किया का प्रीमियर 12 सितंबर 2010 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ तो दोस्तों संभाला है ट्वेंटी सेंचुरी स्टूडियोज़ द्वारा तो ये इंडिया के अंदर हमें हिंदी में भी देखने को मिलेगी टीजर ट्रेलर के बाद में बात की जाए तो हिंदी के अंदर भी हमें देखने को मिल चुका है बाकी यूनाइटेड स्टेट में इसे बनाया गया था मेन बेस लैंग्वेज इसकी इंग्लिश थी बाकी सारी कुछ जानकारी मैंने आपको बताई दी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल बेलाइकन दबा कर इसे सेट कर लीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ है वो आप तक पहुंचती रहे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में